सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उलमाए किराम और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के साथ एक वेबिनार मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने सिटी पुलिस से ख्वाहिश की कि वो लॉकडाउन के चलते मसाजिद में नमाज ईद उल फितर के लिए कम से कम 4 मुसल्लियों की इजाजत दें। चुनाचे कमिश्नर पुलिस ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रियासत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नाफिस लॉकडाउन पर रियासती हाईकोर्ट की भी नज़र है, चुनाचे उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने मुसलमानों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। मैं इन दोनों ऑफिसर से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसा अभी आपने सुना है कि कम से कम 3 या 4 लोगों को आपके जुरिस्डिक्शन में अगर आप इजाजत दे दीजिए कि 4 लोग ईद की नमाज अपने मस्जिद में पढ़ेंगे, अवामुन्नास अपने घर में पढ़ेंगे। मैं जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर थोड़ी बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बुजुर्गों, अल्लाह के करम से 29 रमज़ान सुकून से गुजर रहा है। आप सबको सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमत तेलंगाना के ऑर्डर के मुताबिक लॉकडाउन शुरू हो गया आज सुबह 10 बजे से। हाई कोर्ट की सख्त निगाह भी हम लोग के ऊपर है। कल हमारी हाजिरी भी हाईकोर्ट में हुई। हमारी गुजारिश है कि आप घर में ही नमाज अदा करें, आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मस्जिद को वीरान करना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मशवरा दिया है कि 4 सेलेक्टेड लोगों के साथ नमाज अदा कर लें मस्जिद में। ये जालिम कोरोना वायरस आपके घर में घुसने के लिए बेचैन है। याद रहे कि खुद चलकर ये आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप रमज़ान खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद कर ला रहे हैं वापस, तो उसके साथ ये आपके घर में दाखिल हो जाएगा और फिर आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को परेशान करेगा। इसको रोकिए, अपने घर में ही अंदर रहें, ईद की नमाज घर में ही अदा करें, यही हमारी इल्तिजा है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वेबिनार में शरीक होने का मौका दिया। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पुलिस और आपसे, आपका शुक्रिया अदा भी करूँगा कि 3-4 लोग शरीयत के इत्तेबार से भी मुफ्ती खलीम साहब, मौलाना खालिद सैफुल रहमानी साहब और मुफ्ती गयास साहब, ये तमाम जिम्मेदारन का ये है कि मुकामी मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, तो इसलिए आपका भी शुक्रिया सर, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने बोलारम के कंटोनमेंट हॉस्पिटल का दौरा किया और कोविड-19 के वैक्सीन के जारी अमल का मायना किया। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत कोविड-19 के मर्ज से निमटने पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इसके लिए उसके पास ना तो वसाइल की कमी है और ना ही फंड्स की। उन्होंने बताया कि फौजी दवाखानों, हत्ता के रेलवे हॉस्पिटल्स को भी इस मर्ज के मुतासरीन के इलाज और मालजे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हैदराबाद शहर में लॉकडाउन के पेश नज़र हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कुछ चेक पोस्टों का दौरा किया। बाद अज़ां हैदराबाद सिटी पुलिस के कोतवाल ने कहा कि आज लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद सिटी के तमाम अहम जंक्शंस पर एक आला अफसर के जरिए सिक्योरिटी की निगरानी की जा रही है। हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ, ज़रूरी फूड अशिया सप्लायर्स, दूध, बैनुल अक्वामी और अक्वामी मुसाफिरों के लिए हैदराबाद सिटी वेब पोर्टल से डिजिटल ई पास हासिल कर सकते हैं और अब तक के 700 से ज्यादा डिजिटल पासेस जारी किए जा चुके हैं। हैदराबाद सिटी में 168 चौकियां लगाई गई हैं। हैदराबाद सिटी में मुकम्मल पैमाने पर लॉकडाउन के निफास के लिए हर चेक पोस्ट पर एक सब इंस्पेक्टर और अमले ड्यूटी पर मामूर होगा। इस मौके पर अनिल कुमार एडिशनल CP ट्रैफिक, DS चौहान एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, P विश्व प्रसाद ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, गज्जराव भोपाल DCP साउथ जोन, गुम्मी चक्रवर्ती DCP टास्क फोर्स साउथ जोन के अफसरान भी मौजूद थे। तेलंगाना के तरफ से कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ
एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी साउथ, डीसीपी सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े शहरों के कंपैरिजन में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में बहुत कम है, टोटल नंबर ऑफ डेथ भी हैदराबाद में बहुत कम है, लेकिन जो भी नंबर है इसको और कम करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन का पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को एनफोर्स किए तो 10 दिन में ये नंबर ज़रूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुज़ुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। वो अपने जेब में, अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में हैं तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रखिए, या अगर आप अटेंडर हैं तो बहुत से हॉस्पिटल अटेंडर का पास देते हैं, वो पास आप दिखाइए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से जो इसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, बच्चों के लिए दूध, इस तरह का जो चीज़ है वो सब इसेंशियल आइटम को एग्जेम्प्टेड है। कंस्ट्रक्शन आइटम, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उसको भी एग्जेम्पशन है। तो अगर आपकी बड़ी गाड़ियां में ये सब आइटम आ रही हैं तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने फ्रंट विंड स्क्रीन में बाईं तरफ A4 साइज़ का पेपर में आप लिख के उसमें मेंशन करें कि आप क्या कैरी कर रहे हैं, तो आपको अलग से पास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट पास की ज़रूरत है या इंटर स्टेट पास की ज़रूरत है तो वो पास जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अगर मान लीजिए हैदराबाद से ओरिजिन है, सेंट्रल जोन के एरिया से, तो DCP सेंट्रल जोन ओरिजिनेटिंग पास जो जगह है वहाँ से पास देंगे, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के लिए आपको वहाँ का पास लेना होगा। पिछले 10-12 घंटों में जो ई पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म सिटी पुलिस के तरफ से क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और ऑनलाइन लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम लोग पास दे चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको पास की ज़रूरत है इस तरीके से कुछ इसेंशियल काम के लिए तो आप अप्लाई करें, लेकिन अगर कोई पास का मिसयूज़ करता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये पूरा जो एफर्ट गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हो रहा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए है। इसका आप इज्जत करें, इसको आप सही तरीके से इसको आप फॉलो करें, इससे आपकी और पूरे शहर की सेफ्टी इम्प्रूव होगी। थैंक यू सर। सर ये जो सर ये कंस्ट्रक्शन का आप जो कैरी कर सकते हो, फिर कंस्ट्रक्शन कर भी सकते हैं, फिर लेबर सब सर शमशान और कब्रिस्तान में जो बॉडी वॉश करते हैं उनके लिए पासेस के लिए क्या इंतजाम किया गया सर? क्योंकि जहाँ तक कब्रिस्तान का सवाल है, क्रीमेशन ग्राउंड का सवाल है, बरियल ग्राउंड का सवाल है, ये इसेंशियल सर्विसेज के कैटेगरी में आता है। अगर किसी के घर में मौत होती है, किसी अस्पताल में मौत होती है, उसको किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनको जहाँ भी उनको अपना बताए हुए मुकामी क्रीमेशन ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड है, वहाँ आप जा सकते हैं। और अगर वो कोविड पेशेंट हैं तो कोविड पेशेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन को फॉलो करके आप लास्ट राइड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मौके में ज़राअत के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने तरकारी की काश्त में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहले के जमाने में लोगों की सेहत का राज यही था कि वो तरकारी अपने घरों में उगाते और उसका भरपूर इस्तेमाल करते थे। वजीर ज़राअत ने बागवानी के शोबे को फरोग देने जरूरी इकदाम की भी हिदायत दी। इस कॉन्फ्रेंसिंग में सेक्रेटरी ज़राअत जनार्दन रेड्डी और दूसरे अधिकारी भी शरीक थे। मजलिस के मरहूम सदर और पार्लियामेंटेरियन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की 13वीं बरसी के मौके पर मजलिस के सरगर्म लीडर मिर्जा रहमत बेग खादरी ने अपने साथियों के हमरा दरगाह हजरत आगा दाऊद साहब पहुंचकर सलाहुद्दीन ओवैसी की मजार पर चादर गुल चढ़ाई और फातह खानी की। रियासत में लॉकडाउन के नफाज की वजह से दारुसलाम में हर साल की तरह इस साल महफिल खत्म कुरान व खसीदे बुर्द शरीफ का निकाह अमल में नहीं आ सका और न ही दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा सका। नर्सेस के आलमी दिन के मौके पर वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने तमाम नर्सों को खराज तहसीन अदा किया और कहा कि बीमारों की निगहदाश्त में उनकी जो खिदमत होती है वो नाकाबिले फरामोश है। वजीर स्पोर्ट्स ने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नर्सों को
तहनियत भी पेश की और बताया कि वो कोरोना वायरस के चलते अपनी खिदमात को बड़ी बहादुरी के साथ अंजाम दे रही हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राणा किशन राव, MRO डॉक्टर के जीवन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। लॉकडाउन में सुबह 6 बजे तक 10 बजे के दरमियान नरमी के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों चार मीनार, पत्थरगट्टी, लाल बाजार, मल्लेपल्ली, मेहदीपट्टनम वगैरह में सारे बाजार सुबह ही सज गए थे और खरीदारों का भी काफी हुजूम देखा गया। इनमें खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। हैदराबाद की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि सुबह 7:30 से ही बाजारों में वही रौनक देखी गई जो कि शाम के आखिरी पहर में देखी जाती थी। नामपल्ली चिकन मार्केट से बोल रहा हूँ, वसीम है, बाहर मिल बस से बोल रहा हूँ। अचानक ऐसा लॉकडाउन हो गया, कोई तैयारी नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो जो है सो ऑर्डर नहीं दिए, दूधों के कुछ नहीं दिए, अचानक लॉकडाउन हो गया। कल भी दूध की परेशानी हुई, आज भी जो है सो सुबह फजर पड़ के आके दुकान खोलना पड़ा। अब जो है सो फिर 10 बजे तक बंद करा दो, बोल रहे 3 घंटे में क्या काम करेंगे। दूध है, दही है, सब चीज़ें देना है, अभी ऑर्डर दिए, सुधा पहुँचे नहीं ना मार्केट में भी। अब जो है सो 10 बजे बाजार बंद कर दो बोल के बोल रहे। कम से कम KCR गवर्नमेंट से हमारा ये मुकाबला है कि 12 बजे तक एक टाइमिंग दे दीजिए हम आपको, 2 दिन के आसे आज और कल 2 दिन के आसे 12 बजे तक टाइम दीजिए खाली, 1-2 घंटे तो भी छूट दीजिए, 12 बजे तक हम पूरा काम कर सकते हैं। तो बहुत परेशानी आती, 10 बजे बंद कराए तो आप ऑर्डर दे दिए क्या दूध के? ऑर्डर दे दिए, गाड़ियाँ अभी तक नहीं आए दूध के, ऑर्डर के गाड़ियाँ पहुँचे नहीं मार्केट में अभी। फिर अभी तैयारी करना है, पब्लिक भी इतना सुबह उठ के नहीं आती, सब अपने अपने इबादतों में मस्जिदों में है। कम से कम 12 बजे तक टाइम दिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप 1-2 दिन के अंदर तो भी 12 बजे तक टाइम देना तेलंगाना गवर्नमेंट। पेट बशीराबाद के श्रीरामनगर कॉलोनी में पूजा की अशिया फरोख्त करने वाली एक दुकान को उस वक्त ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा जब एक नामालूम शख्स ने दुकान पर एक थैला फेंक दिया जिसके साथ ही गरजदार आवाज़ भी आई। पुलिस ने इस शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर पुलिस पेट बशीराबाद रमेश ने बताया कि उस शख्स ने बताया कि उसे बालानगर में कचरा चुनने के दौरान एक थैला मिला था जो वो लेकर जा रहा था कि रास्ते में कुत्तों के भौंकने से वो परेशान हो गया और मारे खौफ के थैला फेंक दिया जिसके बाद ये धमाका हुआ। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि थैले में केमिकल्स के डब्बे थे। हैदराबाद में दूसरे लॉकडाउन के चलते आज रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के एराकुंडा एक्स रोड पर DCP LB नगर संप्रीत सिंह और बालापुर SHO भास्कर, DIS देवेंद्र और पूरी टीम चेकपोस्ट के मुआयना किया और लॉकडाउन के सख्ती से निफास की हिदायत दी। हैदराबाद के चादरघाट इलाके में एक खानदान बसता है जो पिछले 3 पीढ़ियों से अपने हाथ से सेवियाँ बनाते आ रहे हैं। आज से 7 साल कबल हाथ की सेवियां बनाने के लिए सिलसिला सरदार खान ने शुरू किया था, फिर उनके बेटे सलीम खान ने ये काम को आगे बढ़ाया और अब सलीम खान के बेटे समीर खान इस काम में मसरूफ है। ईद उल फित्र की खास डिश शीरखुरमी की तैयारी के लिए हाथ की बनी हुई सेवियों की काफ़ी मांग है, चुनाचे ये खानदान 4 महीने पहले से सेवियाँ बनाने में मसरूफ रहता है, मगर पिछले 2 सीजन से कोविड की महामारी की वजह से ये सेवियां बना तो रहे हैं मगर फरोख्त करने में दुश्वारी हो रही है। अलावाजीन इनको 1 किलोग्राम सेवियों के 300 रुपये मिलते हैं और रिटेलर को तगड़ा मुनाफा हासिल होता है। हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि ऐसे हुनर के फरोख के लिए और छोटे कारोबारियों मार्केटिंग सपोर्ट के जरिया ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर खान है, ये हमारा हाथ का सेवियों का कारोबार है। ये हम लोग 4 महीने करते रमजान के लिए, इसके हमारे ये कारोबार हमारे दादा के टाइम से करते आ रहे हैं, उसके बाद हमारे वाली साहब उनके भाइयाँ करें, अब मैं और हमारे भाइयाँ कर रहे हैं। ये 4 महीने का बिजनेस है, रमजान के लिए हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं, स्टॉक करते हैं, उसके बाद मार्केट में पूरा सप्लाई करते हैं। ये हाथ की सेवी बाकी दूसरे सेवियों से महंगी है, बाकी सेवियों से इसका रेट ज़्यादा रहता। अभी ये जो है 300 रुपये किलो बिक्री रमज़ान में, हम लोग जो ट्रेडर्स को सप्लाई करते हैं वो 200 रुपये किलो ऐसा सप्लाई करते हैं, और बारिश में इसका प्रिपरेशन नहीं होता, बारिश में तो काम रुकना पड़ता, मैदा ख़राब हो जाता। ये धूप से बनती सेवी, धूप की वजह से इसका प्रिपरेशन होता, बारिश में नहीं बना सकते। अभी जो हम लोग अपना हैदराबाद में सप्लाई करते हैं, हैदराबाद से बाहर होते निजामबाद, वरंगल,
करीमनगर संगारेड्डी में सप्लाई। अब ये चार महीने हम लोग सीढ़ियों का काम करने के बाद हमारा फ्लावर डेकोरेशन का काम है, वेडिंग डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, स्टेज मंडप डेकोरेशन करना। अब जो दो साल से ये कोविड चल रहा है, दो साल से तो तकरीबन लॉस है हम लोगों को, कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं है, बस काम कर रहे हैं, बस काम हो रहा, डेकोरेशन हो रहा, झंडा भी हो रहा, जो भी हो रहा। यानी कि पहले जो हम लोग था एक फैमिली वाले 50 से 60 किलो से भी बनाते थे, अब लॉकडाउन की वजह से 30 किलो से भी बना रहे, इसका सप्लाई भी कम हो गया, अब इसका रेट भी कम हो गया। दो साल से क्या है जो लॉस में चल रहा था कोविड की वजह, पिछले साल से टोटल लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन होने की वजह से तो हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर सके, फिर भी रमज़ान में 10-15 दिन काम करें, बट उसको भी क्या है सो रेट नहीं आया, 300 रुपये किलो बिकने का, 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो ऐसा उसका रेट दिया था, पर काम भी नहीं कर सके हम लोग, रोज 15-20 किलो बना सक रहे थे, अब जो है सो अलहमदिल्ला 30-40 किलो बना रहे हैं शाम तक, दिन में और एक फैमिली वाले हमारे पास 30-40 किलो से ही बनाते हैं अब लॉकडाउन की वजह से, या तो 50-60 किलो से ही दो साल पहले बनाते थे, जब से ये कोविड आया जब से दो साल से थोड़ा लॉस है समझो, आधे को आधा काम हो रहा, काम पूरा नहीं हो सक रहा हमारा। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नर्सों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि नर्सेस की खिदमत और कुर्बानियां कभी भी रायगा नहीं जाती और वो हमेशा याद रखी जाती हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नर्सेस नरम दिल, रहम दिल और माँ की जैसी शफकत रखने वाली होती हैं। हैदराबाद की डिप्टी मेयर श्री लता रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ काम करने वाले सैनिटेशन वर्कर्स से बातचीत की। उनके हमरा तेलंगाना ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रियासती सदर और दूसरे अहदेदार भी थे। उन्होंने सुप्रिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल एम राजा राव से भी बातचीत की। जहानवा के मजलिसी कॉर्पोरेटर मुख्तार बाबा अपने इलाके में जरूरतमंदों में ऑक्सीजन सिलेंडर तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर परेशान न हो बल्कि उनसे रब पैदा करें। मुख्तार बाबा ने थिगलकुंटा, नवाबसाहब कुंटा, ताड़बन, बशारत नगर, फूलबाग और दूसरे इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए। वालेकुम भाई, भाई यहाँ पर 9 महीने से पूरा ब्लॉकेज था मोरी का, अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहे थे। बाबा भाई को एक बार इंटीमेशन देते कि उन वहाँ के पूरों को बुला के काम करा दिए। अब वैसे पानी का तो फ्लो अच्छा हो रहा, लेकिन 2 बार लेडीज़ गिर गए थे यहाँ पे। बाबा भाई को इंटीमेशन देते कि बाबा भाई आए, आके पूरा काम साफ़ करा दिए और मिट्टी उसी दिन उठाने लगा दिए ईद आने की वजह से। ये बशारत नगर, बाबा बशारत नगर काला पत्थर में। ये 9 महीने से परेशानी थी भाई ऐसी, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहे थे। पहले के जो थे कॉर्पोरेटर सुल्ला भी कुछ भी नहीं करे, लेकिन अब जो है अब बोलने के बाद हुआ काम। जहानुमा कॉर्पोरेटर मुख्तदिर बाबा भाई कराए आके। तो आप लोग उनको बोले थे क्या प्रॉब्लम? जी बाबा भाई को हम लोग इंटीमेशन दिए, बार बार व्हाट्सएप पे भेजे, 2 बार भेजने के बाद बाबा भी भेज डाले हम लोग आगे दिए। एरिया के MLA साहब और असद साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम लोग बहुत बहुत, यहाँ का काम हो गया। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये बशारत नगर काला पत्थर 1 साल से प्रॉब्लम थी भाई सेवर लेन की यहाँ पे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मौजम साहब MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा भाई को बार बार बाबा भाई को इतला दिए, इमीडिएट काम हो गया। ये 1 साल से पेंडिंग था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लेडीज़ को आने जाने के लिए, पूरा ओवरफ्लो जा रहा था यहाँ से, लाइन ब्लॉक थी पूरी, क्लियर कराए बाबा भाई। मिट्टी उठा रहे हैं पूरा, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब का, मौजम साहब का, हमारे बाबा भाई का, इमीडिएट काम कराए बाबा भाई। 1 साल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, अब प्रॉब्लम क्लियर हो गई भाई, बहुत बहुत शुक्रिया साहब लोग। लॉकडाउन में नरमी के औकात सुबह 6 से 10 बजे के दौरान शहर के मुख्तलिफ सरकारी मार्केटों में जबरदस्त हुजूम देखा गया। लॉकडाउन के अचानक निफास की वजह से कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वहीं व्यापारियों ने अपना सारा माल जल्द से जल्द निकालने की खातिर कम दामों पर बेच दिया और ऐसे मनाजिर मदाना पेट, सईदाबाद, मेहदीपट्टनम, रेतु बाजार वगैरह में देखे गए। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनान ने हाईटेक सिटी, JNTUC, कोकटपल्ली चौराहा, जड़मेटला और बालानगर चौराहों का अचानक मुआयना किया और पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के निफास के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सुबह 6 से 10 बजे के दरमियानी जरूरी अशिया की खरीदी के लिए घरों से बाहर निकले। बसूरत दीगर लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सज्जन ने बताया कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में 100 से ज्यादा चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। उनके अमरा डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक SM विजय कुमार, DSP बालानगर PV पद्मजा, DCP माधवपुर वेंकटेश्वरलू और दूसरे भी थे। प्रभुत्वं చేపట్టిన లాక్డౌన్ 2 చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా అమలైపోయింది. ప్రజలు కూడా బాగా సహకరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రోడ్ పైన వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది కంపెనీ పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు, టెస్టింగ్ కోసం వెళ్ళే వాళ్ళు, వ్యాక్సిన్ కోసం వెళ్ళే వాళ్ళే మాత్రం వస్తున్నారు. సామాన్య ప్రజలు ఎవరు కూడా బయట వస్తలేరు. గతం పోలిస్తే ప్రజలు చాలా అవగాహన వచ్చిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో మహాత్మాది బయటకి ప్రజలు వచ్చారు. ఈరోజు ఫస్ట్ డేనే మహాత్మాది ఎవరు బయట రాలేదు. అనవసరం కూడా ప్రజల మూమెంట్ లేదు. ప్రజలకు కోరుతున్నాను, ఎవరు కూడా ప్యానిక్ కావద్దు. ప్రభుత్వం కూడా అన్ని రకాల ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ని మనము పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎవరు కూడా వస్తువులు దొరకలేవు అని చెప్పి ప్యానిక్ కావద్దు. మీకు 4 గంటల వెసులుబాటులోనే బయటకు వచ్చి మీకు కావాల్సిన వస్తువులను తీసుకెళ్ళాలి. దాని తర్వాత 20 గంటలు ఇంట్లోనే లాక్డౌన్ చేయాలని చెప్పి కావాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. మన అందరూ కూడా ఇంట్లో ఉండి లాక్డౌన్ అయితేనే ఈ ఒక వైరస్ని మనము లాక్డౌన్ చేయొచ్చు. ఈ వైరస్ పైన మనం విజయం సాధించవచ్చు. ఏ విధంగా మీరందరూ కూడా సహకరిస్తారు, ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్ కూడా అదే విధంగా సహకరించాలి. అప్పుడే మనం ఈ ఒక్క పాండమిక్ నుంచి మనం బయట రావచ్చు. ఈ ఒక సెకండ్ వేవ్లో మనకు టైం దొరకలేదు. ఒక 20 డేస్లో బాగా నష్టం కావడం జరిగింది. సో అందుకే అది తెలిసి ప్రభుత్వం కూడా ఈ లాక్డౌన్ 2ని అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజలు సహకరించాలి. మీరు బయట వస్తే మీ పైన ICC సెక్షన్స్ కింద, అకాడమిక్ డిసీజ్ యాక్ట్ కింద, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద స్పెసిఫిక్ క్రిమినల్ కేసు కట్టడం జరుగుతుంది. వెహికల్ సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మీరందరూ కూడా కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. మనం లాస్ట్ టైం కూడా చూశారు, దాదాపు 25,000 వెహికల్ని మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. చాలామంది పైన మనం క్రిమినల్ కేసు కట్టాను. వాళ్ళందరూ కూడా కోర్టు చుట్టూ తిరగడం జరిగింది. మన తెలంగాణ కూడా దాదాపు 100,000 పైన వెహికల్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దు, అనవసరం బయట రావద్దని చెప్పి నేను మరమరి रचकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने अपने हुदूद में जारी पुलिस इंतजाम का मुआयना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कानून डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों को 1,000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन का पालन करें और खुद को महफूज रखें। निन्ना 11 నాడు జీవో 102 జారీ చేస్తూ ఈరోజు నుంచి 12 మే నుంచి పొద్దున 10 గంటల నుంచి 21 మే పొద్దున మళ్ళా 10 o'clock టు నెక్స్ట్ డే 6 AM అంటే 22 మే 6 AM దాకా ఈ 10 రోజు లాక్డౌన్ డిక్లేర్ చేశారు. ఈ 10 రోజు లాక్డౌన్లో 12 నుంచి పొద్దున 6 to 10 AM అది రిలాక్సేషన్ ఉంది. 10 AM నుంచి మాత్రం స్ట్రిక్ట్గా అన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అన్నీ బంద్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డే 6 o'clock దాకా అది బంద్ ఉంటుంది. ఏమేం పర్మిషన్ ఉంది, ఏమేం పర్మిషన్ లేవు, అది చాలా చక్కగా క్లారిటీ ఆ జీవోలో ఉంది. మా రాచకొండ కమిషనరేట్లో 46 చెక్ పోస్ట్ మన పెట్టడం జరిగినాయి. 3 షిఫ్ట్లో వాళ్ళు పనిచేస్తారు. తర్వాత అదే సమయంలో ఈ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్లో కూడా భౌతిక దూరాలు, మాస్క్ ధరించాలా, లార్జ్ గ్యాదరింగ్ అవాయిడ్ చేయాలా, దానికోసం కూడా మా కమిషనరేట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పక్కా ఉంటుంది. ఈ కేసెస్ ఎక్కడెక్కడ వైలేషన్ అవుతుంది పక్కా అది కేసెస్ అది బుక్ అవుతుంది. స్ట్రిక్ట్గా యాక్షన్ అది తప్పదు. మ్యారేజెస్ ఏ మ్యారేజెస్ అంతకుముందు ఫిక్స్ అయినాయి, ఈ సీజన్లో మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి, అక్కడ 40 మంది విరుపక్షాలకు కలిసి 40 మంది పర్మిషన్ ఉంది. 40 మందికి ఎక్కువ పర్మిషన్ లేవు. క్రిమేషన్ కానీ కూడా 20 మందికి పర్మిషన్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా అందరికీ అనుమతి ఉన్నాయి. ఎవరికి కూడా పాసెస్ అని అక్కర్లేవు. వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కార్డు మాత్రం అది ప్రతి చోట్ల చూపెట్టాల. ప్రెస్ లేవుడు పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఐడెంటిటీ కార్డు పని చూపెట్టాల. ఎవరు పెద్ద వెహికల్లో వెళ్తారు వాళ్ళు కూడా ఒక వ్యక్తి అది ఐడెంటిటీ కార్డు పక్క అది అక్కడ చూపెట్టాల. తర్వాత ఇన్ సిటు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్
ఇక్కడ పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ ఉన్నాయి, లేబర్ అక్కడే ఉంటారు. అలాంటి కన్స్ట్రక్షన్కి लॉकडाउन के अचानक ऐलान के बाद कल शराब की दुकान से वाइन का सारा स्टॉक खत्म हो गया. रात 8 बजे तक दुकान पर शराब की खरीदारों की तवील कतारें देखी गईं. शराब की दुकान के बाद मालिकीन ने बताया कि उनके पास अब शराब का सारा स्टॉक बिक चुका है. उन्हें तेलंगाना स्टेट ब्यूरेजेस कॉर्पोरेशन को ऑर्डर देना पड़ेगा. लेकिन मसला ये है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही लॉकडाउन में नरमी दी गई है. ऐसे में स्टॉक की डिलीवरी कब होगी, कब स्टॉकिंग किया जाएगा और हमारे पास काम करने वाले लोग कब घरों को वापस होंगे. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल मसले से मुकम एक्साइज के आलादारों को मुतला किया गया, लेकिन उनका भी कहना है कि वो हुकूमत के काम के सामने कुछ नहीं कर सकते. गोलकुंडा में 18 सीढ़ी की मस्जिद के करीब में वाक बौली में एक मर्द शख्स की नाश दस्तियाब हुई. मकामी आवाम ने बताया कि उन्होंने मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान को इसकी इत्तला दी, जिन्होंने पुलिस को तलब किया और नाश को निकालने की कार्रवाई शुरू की. नाश की हलूस शिनाख्त नहीं हो सकी. पुलिस गोलकुंडा मसरूफ तहकीकात है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. मैं गोलकुंडा 18 सीढ़ी से बात कर रहा हूँ. ये मस्जिद के बाजू एक बॉडी है. बॉडी में अचानक बच्चे जब ईशा की नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे बाहर, तो क्या हुआ, वो तो बॉडी में डेड बॉडी देखे, देख के सब इत्तला करे. तो हम लोग क्या करें, बस्ती के सब लोग पुलिस को इत्तला करे, फिर कॉपरेटर हमारे MM के कॉपरेटर क्या नाम है इनका, फरहान भाई आए. फिर उन्होंने फरहान भाई सब की मदद लेके बॉडी को बाहर निकाले. बाहर निकाल के सब बस्ती वाले मदद करे और हमारे कॉपरेटर साहब भी MM के आके मदद करे. हम सबकी जो निकालने के लिए बॉडी, किसकी बॉडी है क्या है अभी तक कुछ पता नहीं चला. और हुकूमत से ये हमारी गुजारिश है कि कल के दिन फिर कोई बच्चे की डेड बॉडी निकालने की मुश्किल ना आ जाए, इसलिए बॉडी का कुछ इंतज़ाम करिए. क्योंकि इससे पहले भी एक, आज से 5-6 साल पहले भी एक बच्चे की डेड ऐसी बॉडी निकाले थे. तो जब भी हम गवर्नमेंट से ये वो करे थे कि ये बॉडी को बंद कर दिया जाए या फेजिंग करके दीवार वाल उठा के पूरी पैक करे, जो बच्चे अंदर उतर के तीर ना सके. तीरने में क्या होता, कोई गिर जाता, कोई किसी को कम तीरने आता और उसमें क्या होता, डूब जाते. ये बॉडी भी कब से है बॉडी के अंदर किसी को पता नहीं. जब बॉडी ऊपर आई तो पब्लिक को मालूम हुआ. ये बॉडी जो हॉली है सर, ये बॉडी को जो दरवाज़ा लगा हुआ है उसको लॉक करा हुआ है सर? जी हाँ, वो दरवाजे को तो हमेशा लॉक 10-15 साल से लॉक करा हुआ है. मगर बाजू दीवार छोटी सी दीवार है, वो दीवार पर तो कूद के चले जाते लोग. तो दीवार को ऊँची करा दिए या उसको और कुछ कर दिए, तो वो वहाँ से चढ़ के बॉडी में नगेसर का कुछ करना. हुकूमत से ये गुजारिश है कि बॉडी दीवार इतनी बड़ी कर दीजिए आप कि उस पर कूद ना सके. शुक्रिया. और ये हमारे हुकूमत से हम ये गुजारिश करते हैं, जल्द से जल्द इसका कुछ इंतज़ाम करिए बॉडी का. क्योंकि आज एक बॉडी मिली पता नहीं, फिर बच्चे धुपकाला है, तीरने के आस्ते आते हैं बच्चों को, किसी को आता किसी को नहीं आता. इसलिए मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, हमारे MM के लीडर से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बॉडी के बारे में कुछ सोचिए, कल के दिन फिर कुछ ना हादसा हुए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. खुदा हाफिज़. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.